आइए साहब पहले कुछ तस्वीरें देखें। ओहो हो, बड़े बड़े लोग आईजी साहब मौजूद हैं, पुलिस बल तैनात है, स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में, नियंत्रण में। चलिए देखें क्या कह रहे हैं। अभी स्थिति सामान्य है, सभी जगहों पर सुरक्षा बल तैनात है। 3 FIR दर्ज हैं जिसमें 36 लोगों की पहचान हो चुकी है। अभी भी हमारे पास बरामद फुटेज और अन्य लोगों की पहचान की जा रही है, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। कानपुर हिंसा पर पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीणा, तो विजय सिंह मीणा जी बता रहे हैं भैया 3 FIR हुई हैं और 36 लोगों को हिरासत में लेने की तैयारी है। जल्दी सभी साजिशकर्ता, हाँ साजिशकर्ता भी सर, जल्दी सभी साजिशकर्ता और मौके पर मौजूद लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। NSA के तहत कार्रवाई होगी ताकि माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। NSA लगेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासू का, ठीक है ना, तो ये लगेगा साहब। और 36 लोग तो सुबह तक थे, बाद में शाम तक सुनने में आ रहा है कुछ शायद फिगर 100 के आसपास टकरा सकती है। बहरहाल लोगों के दिल में बहुत धक-धक है, लोगों को डर लग रहा है, डर उनको लग रहा है जिन्होंने कल पूरे कानपुर को और पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को डरा दिया था। आज वो कहते हैं कि हमको डर लग रहा है। जब आपका कोई कार्ड ना चले, ATM, क्रेडिट डेबिट, तब एक कार्ड सब जगह चलता है, दैट इज़ कॉल्ड विक्टिम कार्ड। बड़ा गजब का विक्टिम कार्ड है सर। योर फीस योर ऑसम, थैंक यू सुनील पटेल जी, कहते बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। उधर चले जाया करो सीधे बगल वाली रास्ता से। जो पूरे सिस्टम चल रहा ना, इतने बड़े बड़े इकोसिस्टम आप देख रहे हो, ये जो दंगा जो हो गया, आपको क्या लग रहा है यहाँ से हो गया? सब फॉरेन फंडिंग है साहब, उनके पास फंडिंग की कमी नहीं है, बहुत फंडिंग। और इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर जो है ना, जो फिल्म को लेकर भी बोला कि जो हमारे मतलब की फिल्म बनाए उसको देख कर आइए ना। आप कोई ना कोई फिल्म तो देखोगे, वो तो आपको शौक है ही, तो अपनी वाली देख कर आओ। फिर चैनल्स की बात आती है, आप क्या कोई भी चैनल आप देखने देते हो बच्चों को? नहीं, मना कीजिए, ये नहीं ये चैनल देखना है। कोई भी अखबार आप पढ़ने देते हो, मना कीजिए, ये नहीं ये अखबार आएगा। भले उनका टीचर बोल रहा हो, हाँ मत पढ़ते, आई एम अ हतनी, है ना, भले वो भी बोले कि फलाना अखबार पढ़ते, तो आप उसको बोल दो मत पढ़ते, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो अपने अखबार पढ़ाइए। अब आपको अपना अखबार ही नहीं पता होगा, ये तो इस देश की हालत है, क्या बोलूं मैं। खैर, हमारा चैनल दिखाते रहना, वो इधर उधर के मत दिखाना। मैं आज देखकर हैरान रह गया, एकदम से मुझे याद आया, सॉरी 2 मिनट और ले लेता हूँ। वो कुछ लोग आजकल वीडियो व्लॉग्स बना रहे हैं, वो घर में हम आप पराठा बन रहा है, पूड़ी बन गई है, हमारी अम्मा ने ई बना दिया है, कोई कहता हम घूमने जा रहे हैं, कोई अपनी लुगाई के साथ चिपक के फोटो खींच रहा है। यार दिमाग खराब हो गया भाई देख के, करोड़ों में व्यूज हैं, करोड़ों, आई मीन जस्ट इमेजिन, And I am working here like an ass, 24 hours. हम मूर्खों की तरह यहाँ काम कर रहे हैं, कमाल है यार। पता नहीं इस देश की जनता को क्या पसंद है, भगवान ही मालिक है सर। करोड़ों में व्यूज, मैंने हिसाब लगा के देखा, मैंने कहा यार इन लोगों के, क्योंकि उसमें तो वो येलो भी नहीं होगा ना, हमारी तरह हम तो दंगा वंगा बोल देते, तो हमारा तो फट से येलो कर देता, खट से उठा के बोले हट तुम्हारी, तुमको ऐड चलाएंगे लेकिन देंगे नहीं पैसा, उनको तो पैसा भी पूरा मिलता है। तो मैंने हिसाब किताब लगाया तो दे आर अर्निंग इन करोड़, बताओ यार क्या हालत है, बड़ा बुरी स्थिति है। सो अमित गुप्ता जी कहते हैं सर पैथेटिक मूवी पृथ्वीराज, कोई नहीं सर उसमें कुछ गलत है क्या इतिहास के बारे में? पृथ्वीराज का महिमा मंडन है तो सही है, नहीं है तो फिर गलत है, बाकी फिर उसमें कुछ भी हो सब चलेगा, ठीक है, क्लियर है ना। तो बड़ा हैरानी होती है मुझे देख के कि आखिर जनता चाहती क्या है, कमाल है, बिग बॉस का कमाल। क्या बोले सर, दे विल मैच यू, क्लास इज परमानेंट, फैशन इज टेम्प्ररी, इफ यू वांट ऑथेंटिक न्यूज देन मस्ट कंट्रीब्यूट हियर, थैंक्स अभिजीत जी कहते हैं। जी अभिजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए तो आगे चले, तो इन दंगों को लेकर कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है, 36 लोग जो है
नामजद थे और तमाम सारे लोग और इसमें नामजद होते चले जाएंगे धीरे धीरे, अभी काफ़ी सारे लोगों को और बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इस दंगे की सच्चाई देखिए, क्या ये दंगा प्लान्ड था? ये दंगा ऐसे ही हो गया था। एक जीरो जीरो और जीरो परसेंट प्लान्ड था। एक बार फिर से ये दंगा भी प्लान्ड था। बड़े अफसोस की बात है, ये दंगा एट्रेंडम नहीं हुआ, ये दंगा बाकायदा इसकी प्लानिंग की गई और लंबी प्लानिंग इस दंगे की गई थी। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस प्रकार से। आप सोचिए, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई दूसरा समुदाय प्लान करके दंगा कर ले। एकमात्र ये समुदाय प्लान करके दंगा करने वाले लोग, और बाकी दूसरा खड़ा ही रहता है। वो ईंट फेंकेंगे, आ जाएगी बहुत, आ जाएगी, फिर उठा के अपना सिर फुड़वा के फिर इक्का दुक्का ईंट फेंक देंगे, फिर हमसे ईंट फेंकते नहीं बनेगी, वो इधर जाएगी उधर जाएगी। बहुत बुरा हाल है भाई। चलो कोई नहीं, ठीक है, कब आएगी समझ में भगवान मालिक है। पर मेरा काम है दिखाना, वो मैं दिखा दूँ। और इस तरफ वाले पोर्शन पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, वीडियो चलाने वाला हूँ, राइट। आलू ले लो आलू, हाँ आलू टमाटर प्याज, ठेला है ठेला, आलू टमाटर प्याज का नहीं है। आ आ आ ना बेबी ना, सोना बेबी इस पे पत्थर हैं, रुको रुको रुको, फिर से दिखाएं, हाँ समझ में आ रहा है, पत्थरों की रेड़ी, पत्थरों का ठेला पहली बार देखा भाई मैंने जीवन में, पहली बार पत्थर ठेले पर, ठेले से पत्थर लोड किए जा रहे हैं, आगे पहुंचाए जा रहे हैं, आगे से पत्थर फेंके जा रहे हैं। आई शाबाश, जियो मेरे राजा। ये इसके बाद की सिकाई है, ठेला चलाने का इनाम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। साजिश, लगातार जांच चल रही है, एक के बाद एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है और जिसका भी हाथ था रही है, उनकी पहचान वहां जो उपलब्ध खराब करने की कोशिश कर रहा था उन पर किस तरह सख्ती पुलिसकर्मी दिखा रहे हैं वो इस वीडियो से साफ हो जाता है। और जो भी इस पूरी हिंसा की साजिश में शामिल, जफर हाशमी पर पोस्टर लगवाने का आरोप है। तो साहब जफर हाशमी है, इन पर आरोप है। अब आप एक चीज़ देखिए, दंगा होता है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दंगा इस तरह से प्लान करके और बाकायदा प्लानिंग में ठेला भी कि पत्थर वहाँ तक कैसे जाएंगे, पत्थर लेके जाएंगे तो थक जाएंगे, तो अपने को ताकत चाहिए, पत्थर फेंकने के लिए ताकत चाहिए। ज़रा सुनिएगा मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से, अपने दिमाग में बैठा लेना, ना बैठा लेना एकदम, हाँ नहीं कल को कहोगे बताए नहीं थे, बताए दिए भैया, बैठा लीजिए अपने दिमाग में, ठीक है। तो गुम्मा चला रहे, ईंट चला रहे भैया, गुम्मा बोलते हैं कानपुर में, गुम्मा चला रहे दवा, तो बोले गुम्मा ले लेके दौड़ दौड़ के थक जाए, हाँफ जाएंगे तो फेंकेंगे कैसे। अच्छा अपन लोगों का हालत तो वैसे ही खराब है, अपन को तो दौड़ने नहीं दौड़ना, अपने को तो ले जाके ट्रक में भी ले जाके दे दो, ले हाथ में दे ले, फेंक तो नहीं फेंक पाए। अब कल की बात कर रहे हो, बुढ़िया खा खा के अपने आप को अंदर तो पूरा गला लिए हैं, बे कुछ बचा थोड़े, या बचा कुटा ठाम को दारू पियेंगे, खेल खत्म। हमारी हालत ऐसी है, क्या कोई बात नहीं, दूध मत पीना, हाँ हाँ अरे कैसी बातें कर रहे हो, दारू कितनी महंगी पता है नितिन शुक्ला, 1000 रुपये की एक बोतल आती है, बादाम का भाव मालूम है, महज 700 रुपये है किलो, महीने भर चलता है दारू, रोज शाम को लगनी है, बताओ महंगाई कितनी है। काजू खाने की हम सलाह नहीं देते किसी को, कुछ नहीं होता उसमें, मूंगफली खाओ उससे बेहतर है, बादाम मत खा लेना। और जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, जिम में जाएंगे और बॉडी स्टिफ हो जाए, व्यायाम करो व्यायाम, कुश्ती करो, वो होते ना अखाड़े, अखाड़े में जाओ भले में रहोगे, ठीक है। तो शाह जी कहते हैं, वॉट इज मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर इंटेलिजेंसीज टू डिटेक्ट दीज प्लान्स अर्ली। अरे तुषार जी रुकिए रुकिए रुकिए, इस कमेंट का जवाब अभी दूंगा, थोड़ी देर में दूंगा। सर मैं आपका फ़ैन था, उसके बाद कूलर बन गया, अब एसी बन चुका हूँ, प्रोफेसर साहब कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज लिखार जी।
लाथेर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई जरा तैयारी देख लीजिए कैसी है और क्या है, एकदम क्लैरिटी के साथ इतनी जबरदस्त तैयारी, और हमारी तैयारी क्या, नील बटे सन्नाटा। देखें बचने की तैयारी हो रही है हमारी तरफ से, वो भी नील बटे सन्नाटा। कानपुर में क्या पूरी प्लानिंग के साथ हिंसा हुई, जो कुछ वहां पर हुआ, दरअसल ये सवाल इसीलिए उठ जाता है क्योंकि जो तस्वीरें अब वहां से सामने आ रही हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि अब कानपुर हिंसा का एक और नया वीडियो सामने आया है, और ये उस वक्त का वीडियो बताया जा रहा है जब उपद्रवियों की भीड़ नई सड़क से वापस पेंच बाग की तरफ जा रही थी, तभी अचानक एक व्यक्ति भीड़ से अलग दूसरी तरफ हाथ में लाल रुमाल लेकर लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी इशारे को जैसे ही भीड़ में मौजूद कुछ लड़कों ने देखा उसके बाद दुकानों पर हमला बोल दिया। देखिए वो तस्वीरें आपके सामने, तोड़फोड़। ये देखिए यहां से रिवर्सल भी आया, यहां से सिग्नल गया, यहां से रिवर्सल आया, ठीक है, ये रिवर्सल आया यहां से, हाँ ठीक है, वी आर रेडी। जब हुई किस तरीके से वो भी साफ तौर पर देखा जा रही है, शख्स जो कि हाथ में रुमाल हिलाता हुआ दिख रहा है, और जैसे ही ये भीड़ में मौजूद कुछ लोग देखते हैं वो उपद्रव शुरू कर देते हैं। कानपुर हिंसा का ये नया और ये ताजा वीडियो इस वक्त आपके सामने, मौके पर पुलिस भी आपको दिखाई दे रही है, भीड़ भाड़ आपको दिखाई दे रही है, और उसी दौरान देखिए लाल रुमाल जिस तरह से ये व्यक्ति हाथ में ऊपर की तरफ उठाता हुआ हिलाता है, भीड़ में मौजूद कुछ लोग वहां से निकलकर सामने आते हैं। पहली तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, जमकर तोड़फोड़ की गई, ये भी साफ इसमें दिख रहा है, सैकड़ों की भीड़ के बीच में 4 से 6 पुलिसकर्मी उन्हें भरसक रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन असहाय पुलिस भीड़ को हिंसक होने से नहीं रोक पाती, जिसके बाद जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई, हिंसा हुई। रुमाल का ये इशारा साजिश की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि इस पूरे मामले में लगातार सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये कैसे सोची समझी प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हुआ जो कुछ भी कानपुर में उस दिन हुआ। कानपुर हिंसा का ये वीडियो, ये तस्वीर गौर से देखिए आप, ये सफेद कुर्ते में जो एक शख्स आपको दिखाई दे रहा है उसके हाथ में एक रुमाल है, और इस रुमाल को ऊपर उठाकर जब ये कुछ इशारा करने की कोशिश करता है तो फिर आप देखिए क्या होता है। तो साहब सामने से रिवर्सल का रिवर्सल भी आ जाता है, लोग हाथ हिलाते हैं और कुछ लोग इधर भी आ जाते हैं निकल के कि कंफर्म करने के लिए हाँ आप कर दें, तो ऐसा ही हुआ क्या, अभी देखते हैं, पुलिस देखेगी, पुलिस कार्रवाई करेगी। बहरहाल ये पूरी सोची समझी साजिश, और बाकायदा सिग्नल के द्वारा ठीक वैसे ही जैसे सेना हमला करती है कि जैसे ही मैं यहाँ से सिग्नल दूँ आपने हमला करना है, सेनाओं की तरह कोलैबोरेटेड दंगा पूरे विश्व में आपको शायद ही कहीं देखने को मिले, किसी और समुदाय के द्वारा मैंने आज तक नहीं देखा, किसी भी दूसरे समुदाय के द्वारा, ठीक है। ये सिर्फ फिर बोलेंगे कि हमारा नाम ले देते हो, उनका पत्थर भी इतना हल्का था कि दूर तक जाए और इतना भारी होता है कि अच्छी चोट लगे, पहना होता है सब, दे मेक इट शार्प, तोड़ते हैं ना, तोड़ते में ऐसा होता है, ठीक है। मनीष जी, हरदीप जी कहते हैं सर गवर्नमेंट शुड टेक वोटिंग राइट्स अवे फ्रॉम देम, ठीक है, इस कमेंट को मैंने पढ़ लिया था, मैंने कहा इसको समय आने पर जवाब दूंगा। देखिए कौन से कानून में ऐसा लिखा, हरदीप जी, देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, ऐसा कोई संविधान में ऐसा कहीं कोई प्रोविजन है कि वोटिंग राइट आप ले सकते हो, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, है ना। तो पहले आपको ऐसा कानून बनाना पड़ेगा, और बनाने का मतलब है कि संवैधानिक अधिकार है राइट टू वोट, उसको नहीं बदल सकते आप, उसके लिए फिर आपको संविधान में चेंज करना पड़ेगा, 3/4 मेजोरिटी लाना पड़ेगा, है ना। तो ये संवैधानिक अधिकार है, वोटिंग आपका जो है संवैधानिक अधिकार है, तो उसको इतनी आसानी से वापस नहीं ले पाओगे। पूरी सीटें देते कहाँ अपन, ज़्यादा आ जाएंगी तो मोदी बिगड़ जाएगा, मोड़ा माओ बिगड़ जाएगा, कम सीटें दो थोड़ी, थोड़ा थोड़ा ऐसे रखो, हाँ अपन इंटेलिजेंट ज़्यादा है ना, समझो आप बात को। आपके माध्यम से हजारों हिंदू जाग रहे हैं, मैंने स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है, आपके प्रयास सराहनीय, दिल्ली दंगे में आपकी रिपोर्टिंग के बाद चेतना आई, सागर शर्मा जी की तरह, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, अगर जाग रहे हैं फिर तो क्या बात है। चलिए आइए और आगे देखें और क्या क्या हुआ।
तो रुमाल से हिला हिला कर जो है दंगे की जुगाड़ की गई। फिर मास्टरमाइंड नाम सामने आया है हयात जफर हाशमी का, उस पर पूरे क्षेत्र में पोस्टर लगवाने का आरोप है। ये देखिए, ये वो पोस्टर है जो उस इलाके में लगाए गए थे, जेल भरो आंदोलन यहाँ इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। सुबह 11:30 बजे 5 जून 2022 जो तारीख यहाँ पर इस पोस्टर में दिखाई दे रही है। तो आंदोलन की अपील 5 जून 2022 इतवार सुबह 11:30 बजे कोर्ट शुरू हुई बाजार। और ये अब साहब तमाम सारी पोस्टर की भी बात आ रही, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आप देखिए किस प्रकार से एक सोची समझी साजिश, एक रणनीति, युद्ध रणनीति के तहत काम करना। ये युद्ध रणनीति होती है कि जब हम बोलेंगे चार्ज तब आप चार्ज करोगे, ठीक है ना। अभिजीत जी कहते हैं धारा 370 मॉडल यूपी आर मोस्ट वैल्यूएबल अचीवमेंट्स ऑफ बीजेपी, दैट्स व्हाई ऑपोजिशन आर टारगेटिंग दिस। सर मेन तो मुद्दा वही है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या हुआ। फिर हिंदू क्या कर रहा था जब ये दंगा हुआ, वो तलवार निकाल के खड़ा था, बोला तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। कहां गए वो सारे लोग? हिंदू बेचारा क्या करेगा, हिंदू बेचारा घर में बैठा है, इनफैक्ट भाग रहा था। सही कमेंट है। आइए देखिए। और यहाँ पर लेडी है जिनका कहना है कि इनका जो काफी नुकसान हो गया, क्या हुआ ये? इनके पिताजी है नहीं, मेरा लड़का यहाँ पे दुकान लगाता था, साहब इसकी दुकान तोड़ दी सारा सामान। पिताजी नहीं है, अनाथ है लड़का, सिर्फ माँ है, लड़के की दुकान तोड़ दी, सामान लूट के ले गए इस दुकान का, सामान लूट के ले गए। अब वो मिला क्या, वो IITian सबकी मदद कर रहा था दंगे वालों, बुलाओ उसको, बुलाओ कानपुर बुलाओ, कहना मदद तो कर, लोगों की दुकानें लूट गई, तू तो दुकानें लोगों की लाख लाख रुपए दुकानों पे दे रहा था, बड़ा पैसा इकट्ठा किया तेरे पास तो 20-25 करोड़ रुपए। एक हमें यहाँ रोज बोलना पड़ता है भैया कॉन्ट्रीब्यूट कर देना, कॉन्ट्रीब्यूट कर देना। IITian बढ़िया हमसे तो पट्टे से 20-25 करोड़ रुपए, वाह जियो मेरे राजा। तो उसको बुला भैया ऐसे लोगों को। अरे भाई उसने स्पष्ट कहा था, अगर ध्यान नहीं हो तो क्या कहा था कि मैं यहाँ कोई गंगा जमनी तहजीब सेक्युलरिज्म की बात करने नहीं आया हूँ, मैं दीन की बात करने आया हूँ। क्या कहा आपके इसमें, क्या सारे इसमें साहब सिगरेटें वगैरह थी सब, महंगी महंगी टॉफी और फिर सब साहब यहाँ फैला पड़ा था। ये कौन तोड़ के ले गया साहब? यहाँ पे जो भीड़ के लोग थे वही लोग सब करके चले गए, हम लोग तो गेट के अंदर बंद हो गए थे। आप लोग अंदर भाग गए? अंदर भाग गए थे, बंद हो गया था साहब गेट और पूरी, हम लोग तो गेट के अंदर बंद हो गए थे। आप लोग अंदर भाग गए? अंदर भाग गए थे, बंद हो गया था साहब गेट। आप लोग अंदर भाग गए? अंदर भाग गए थे, बंद हो गया था साहब। आप लोग अंदर भाग गए? अंदर भाग गए थे, बंद हो गया था साहब गेट। अंदर भाग गए थे, अब करे तो करे भी क्या, इसके अलावा दूसरा चारा क्या, इतनी भीड़ का एक अकेला कोई मुकाबला कर नहीं सकता। और अपने साथ लोग आते नहीं है क्योंकि अपना पड़ोसी अपन को पहचानता नहीं है और अपना कोई संगठन है नहीं। नितिन शुक्ला तो पागलों की तरह कल से सालों से चिल्ला रहा और आगे चिल्लाता रहेगा, संगठन बनाओ मोहल्ले का बनाओ, इधर उधर का नहीं, ना कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं, और पूरी दुकान मेरे लड़के की बर्बाद करके चले गए। ये दो धर्मों के बीच की बात कैसे बन गई, क्योंकि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं यहाँ हिंदुओं की भी दुकानें हैं, मुसलमानों की भी है, घर भी है, मकान भी है, उनकी पूरी शॉप जो है पूरी बंद थी, हिंदवानी शॉप सारी खुली थी, सब मुसलमानी शॉप सारी बंद थी। वो लोग क्या कह रहे थे कि हिंदू वाली शॉप सारी खुली थी, मुसलमान वाली बंद थी। अच्छा तो अपनी दुकान जब बंद होगी तब अपन दंगा करेंगे, तब पत्थरबाजी करेंगे। ओके बंद करनी दुकान है, वो लोग कुछ चीजें नहीं कह रहे थे, जबरदस्ती बंद करवाएंगे। आए आए बस तोड़ने शुरू कर दी। आप लोग कहाँ थे? हम लोग यहीं थे, जब हल्ला मचा था हम लोग देखा तो ये लोग भीतर भाग रहे थे भैया, हम लोग देखा नहीं, चल रहे थे, गेट बंद करना पड़ा तुरंत हम लोगों को। अच्छा ये गेट पहले खुला हुआ था, बाद में बंद किया साहब, इतने पत्थर अंदर देखिए आप कितने पत्थर पड़े हैं, अंदर अंदर तक पहुँचा। अगर आप लोगों में कोई इस समय बाहर था कोई बता सके कि हुआ क्या था, एक जैसे इन्होंने बताया आप बाहर थे, आप बाहर थे कोई था तो उस दौरान जब 2:30 बजे आप जब निकले, आपने कहा कि 2:30 बजे के आसपास आए, तो जो नमाज थी वो तो 1:30 बजे हो गई थी। फिर उसके बाद जब उधर से जब नमाज वमाज नॉर्मल हो गई, जब बदर सीधे मची है। अच्छा तो पहले अपन नमाज पढ़ेंगे,
नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है भैया, नमाज पढ़ लेंगे, नमाज पढ़ ली अब तुम्हारी अस्तेसी मारेंगे, पहले अपने काम निपटा लो, दुकान वकान बंद, नमाज वमाज पढ़ लो, फिर तुम्हारी अस्तेसी मारेंगे। गजब गजब, मतलब मैंने कहा ना युद्ध रणनीति। नीला परांजपे जी नमस्ते, आइए साहब आगे देखिए। तब हुआ है पथराव चालू हुआ, उसके बाद सारी दुकानें बंद करी गई हैं। तब मेरा जब सामान वान लगा हुआ था वो भी लूटपाट हुआ है। दोनों समुदाय की तरफ से हुआ है या एक समुदाय की तरफ? समुदाय की तरफ से हुआ है, दोनों समुदाय की तरफ से नहीं हुआ। हम लोगों से क्या लेना देना था? दूसरा समुदाय है वो ये कह रहा है कि दूसरे पक्ष ने माहौल खराब किया। यहाँ से तो कोई था ही नहीं, सब पूरा अंदर बंद था, आप देख लीजिए ये चीज। ये देखिए, ये हुई एक पक्ष की बात, एबीपी न्यूज फिर दोहरा रहा है, ये एक पक्ष की बात है। अभी हम कोशिश करेंगे कि दूसरे पक्ष से भी बात कर सके, क्योंकि एक पक्ष के अपने दावे हैं, अपने आरोप हैं, और दूसरा पक्ष भी है। इस वक्त हमको यहां पर नजर आ रहा है, हम कोशिश करते हैं अगर कोई इनमें से बात कर सके, हमको कुछ बता सके कि क्या हुआ था उस दौरान। दूसरा पक्ष यहाँ पर जो है कई सारे लोग हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्या कुछ हुआ था? नहीं, आप लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन यहाँ तो सालों से एक साथ रहते हैं दोनों समुदाय। बाहर के लोग थे। अरे चचा ये मुस्कान तुम्हारी, अरे चचा ये मुस्कान बाहर के लोग थे। उसके बाद अरे गजब चचा, मुस्कुरा दिए चचा, कमाल कर दिए चचा, मालूम नहीं बाहर के लोग थे। अरे मर लगे, मराई दी, फोड़ दो, लूट लो दुकान। अरे शाबाश चचा, गजब है। मुझे जब हाथ फेरता हुआ कल दिख गया तो आज मुस्कान नहीं दिखेगी क्या? इतना अंधा थोड़ी हूँ और आपको नहीं दिखाऊंगा क्या? हा? चेहरे की इस मुस्कान को देखो भाई। शांति को मजहब धर्म बोलना बंद करो, अभिजीत जी कहते हैं। अब सर वो अभी धीरे धीरे आएगा, समय लगेगा। चलिए साहब आगे चले, मैं तो इन्हीं की न्यूज में से सर आपको न्यूज दिखा दूंगा, मेरे अंदर ताकत है, मेरी नजर बहुत तेज है, चील की सी नजर है, ठीक है ना। चलिए और देखें सर, 11 बजे आया करो, लेट आते हो आप। लाइव करते करते मैं सो जाऊं तो मुझे उठा देना, है ना, मुझे भी परेशानी होती है। लेकिन आज इतने सारा सब लगाने में, इसको सेट करने में, इसको ढूंढने में थोड़ा समय लगता है, चुन चुन कर उस क्लिप को निकालना, फिर उसको आपके सामने प्रस्तुत करना, उसमें समय लगता है ना। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, तो मैं एग्री करता हूँ, आपकी बात सही है, गलत नहीं है। सब लूट पाट करके सब तोड़ ताड़ के चले गए, तो काम पे चले गए, प्लानिंग से थे पूरे। और जो सामने बिल्डिंग बनी है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, दूसरे को ही बोल रहा हूँ, उनकी सुना दूं आपको, देख लीजिए। हाँ यार, वहां से सब लूट पाट करके सब तोड़ ताड़ के चले गए। हिंदू है मैं, सब लूट लाट तोड़ फाड़ के लूट लाट के चले गए। अच्छा चलो आगे सुनो, तो काम पे चले गए थे और वो लोग प्लानिंग से थे पूरे, और जो साथ पे चले गए थे और वो लोग प्लानिंग से थे पूरे, तो काम पे चले गए थे और वो लोग प्लानिंग से थे पूरे। भूली बिसरी एक कहानी फिर याद आई, पुरानी बात याद आ गई, कोई बताएगा कौन सी बात याद आई? किसी को याद है क्या? नहीं याद होगा, क्योंकि आपने वो काम नहीं किया जो मैंने किया, इसलिए आपको याद नहीं होगा। कैसे कमाल की बात है, ये भी महिला वो भी महिला, कमोवेश शक्ल भी मिलती जुलती, कमोवेश शक्ल भी मिलती जुलती। और मैं ऐसे ही माइक लेकर खड़ा था, तब मुझसे यही बोल रही थी, हमारे लोग तो सब काम पे गए थे, वो लोग प्लानिंग से थे। आ दिल्ली हो या कानपुर, यही स्टेटमेंट आता बार बार, हमारे लोग तो काम पे गए थे, मजदूरी करने, पैसे कमाने, क्योंकि है ना हिंदू के पास लिमिटेशन है, हमसे कम पैसा दूसरों के पास है, लेकिन उनकी ख्वाहिशें उतनी नहीं है, और फिर पता होता तो शायद नहीं जाते, लेकिन सुखबुगाट तो हो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। इसलिए कहता हूँ आसपास अपने ध्यान रखिए क्या हो रहा है। खैर
जो दिल्ली दंगों में हुआ, ठीक वैसा ही कानपुर दंगों में, कोई फर्क नहीं है साहब, डिट्टो वही का वही है। चलिए, और जो सामने बिल्डिंग बनी है वहां से भी लेडीजों ने ईंटें चलाई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं चंद्रेश्वर हाता में, ये वही हाता है मौजूद है, उनमें से एक घायल करते हैं। क्या इंसिडेंट रहा, आप कैसे घायल हुए? संजय शुक्ला। संजय सर, क्या नाम है आपका? संजय शुक्ला। संजय शुक्ला जी, संजय शुक्ला जी, शुक्ला जी, जरूरी थोड़ी हर शुक्ला स्मार्ट हो, जरूरी थोड़ी हर शुक्ला समझदार हो। खोपड़ा फूटा पड़ा शुक्ला जी का, टोपी लगा के दबाए बैठे, सामने कैमरा है, अरे भगवान। फिर किसी ने इशारा किया, टोपी उतारो, दिखा तो दो चोट कहाँ लगी, अपनी चोट ही नहीं दिखा पा रहे, हिंदू की कितनी बुरी हालत है रे, क्या शुक्ला और क्या मौर्य, क्या हालत है रे। क्या इंसिडेंट रहा, आप कैसे घायल हुए? भाई ये लोग नमाज के बाद हम लोग की दुकानें बंद कराने आ गए, तो यहाँ कोई एडवाइस नहीं था हमारे नेताओं का, दुकान का हमने ना, तो हम लोगों ने दुकानें बंद नहीं किया, उसी में उन लोग ने गाली गलौज चालू कर दिया और ईंटें गुम में लिए हुए थे उन लोग, पत्थर वत्थर लिए थे, फायरिंग भी किया है। मैं ऑफिस के अपने घर खाना खाने आ रहा था, तो साहब ईंटें गुम में लिए थे, फायरिंग भी किया, दूसरे सज्जन ने ऑफिस से घर आ रहे थे खाना खाने, हम लोगों ने अपनी आंखों देखी, बात आपसे बता रहे हैं। कल साहब यहाँ पे खूब सारी भीड़ आई और जल्दी जल्दी गुम्मा पत्थर खूब चलने लगे, हम लोग ने गेट आदमियों ने बंद किया, उसके बाद साहब हमारी दुकान पूरी पलटा के सारा सामान तोड़ ताड़ के निकाल ले गए, गोल्ड फ्लैग के डिब्बे थे, सिगरेट के डिब्बे थे, कोई गिफ्ट लेने गए थे, तो वहाँ पे हमने देखा बिसात खाने में बहुत से मॉन्डन कम से कम हजारों की संख्या में रोड पे खड़े थे और वहाँ से एक लड़का फोन करता है कि देखो उधर का क्या माहौल है, तो वो कह रहा है कि अभी माहौल गर्म नहीं है, अभी थोड़ी मतलब देर है। तो हमारे साथ मेरी लड़की भी थी, तो हमने कहा कि शिवांगी यहाँ से लौट चलो, हमें लगता है कुछ होने वाला है। यहाँ से एक लड़का फोन करता है कि देखो उधर का क्या माहौल है, तो वो कह रहा है कि अभी माहौल गर्म नहीं है, अभी थोड़ी मतलब देर है। तो हमारे साथ मेरी लड़की भी थी, तो हमने कहा कि शिवांगी यहाँ से लौट चलो, हमें लगता है कुछ होने वाला है। चलिए साहब, तो फोन पे जरिए युद्ध में क्या होता है, हमने कहा युद्ध रणनीति है, वायरलेस के जरिए कम्युनिकेशन होता है, इधर भगवान की कृपा से है टेलीफोन है तो वायरलेस की जरूरत क्या, यहाँ कौन सा इंटरसेप्ट कर लेगा दुश्मन, दुश्मन तो अपना काम पे गया है तो इंटरसेप्ट कर ही नहीं पाएगा, वहाँ तो युद्ध में सामने वाला भी उसी तरह तैयारी से होता है तो इंटरसेप्ट कर लेगा, पता चल जाएगी रणनीति पता चल जाएगी, पर यहाँ तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, तो फोन पर आराम से कम्युनिकेशन हो रहा था। बोले भाई भाई ओ हाई चल रहा भाई, अभी कुछ गर्म नहीं हुआ भाई, गर्म का मतलब समझ लो वो आगजनी, वो तोड़फोड़, वो लूटपाट, बाकी तो पब्लिक तो थी है ना, कोई बात नहीं, तो गरम हो गया साहब बाद में, कमाल है, कई राजी के तो चरण स्पर्श, खुश रहिए भैया, ठीक है ना बॉस। तो फिर क्या, शुक्ला नाम देखकर मारा है, शायद आपका गुस्सा इन पर उतरा है। नहीं, मुझे बड़ा बुरा लगता है सर, देखिए समझाता समझाता मैं मर जाऊँगा, शायद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, पर फिर भी शायद जो हिंदू है उसको शायद समझ में नहीं आएगा आपको, आप तो पिटे हुए में भी विक्टिम कार्ड नहीं खेल पाते यार, वो पीट कर भी विक्टिम कार्ड खेल लेते हैं, मैंने जस्ट इमेजिन, लुक एट द वास्ट डिफरेंस, जमीन और आसमान का डिफरेंस है, अगला पीट कर विक्टिम कार्ड खेल रहा और आप पिट कर भी नहीं खेल पा रहे सर, फूटा हुआ है खोपड़ा पूरा, गुम्मा पड़ा है और थुकला जी खड़े आराम से, कहा बताएं, खैनी चबवा लो बस, छोड़ो इन सब चीज़ों को, भला हो जाएगा, जीवन अच्छा चलेगा। आइए, कानपुर हिंसा 6 की अनकही कहानियां, 6 अनकही कहानियां, मुसलमानों ने ही लूट ली मुस्लिम की दुकान, जान बचाने के लिए लोगों को चलाने पड़े पत्थर, भाई साहब कौन से मुसलमान ने मुस्लिम की दुकान लूट ली बताओ तो सही, ये विक्टिम कार्ड है गुरु जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बाकायदा चुन चुन के लिस्ट बनकर काम हुए, लिस्ट बनकर इतने बेवकूफ थोड़ी है सामने वाला, लिस्ट बनाकर काम करता हर बार। चलिए कोई नहीं, वासिम जी मैंने आपका कमेंट बहुत बार देख लिया, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब देखें और क्या क्या हुआ, समझना तो जरूरी है। आइए,
की गई, और भी कुछ लोग इसी मोहल्ले के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आप यहीं के रहने वाले, कल आपने देखा क्या? बिल्कुल देखा, हम लोग इसी गेट पर बैठे हुए थे, कल इनका बंद का आह्वान था, तो बंद के आह्वान में आपने दुकानें बंद कराई, पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए अगर कोई बयान दिया गया था। एक सीसीटीवी है जिसमें वो पत्थर मारता है, सीसीटीवी फुटेज पर वो नहीं दिखा रहे हैं, वो है बहुत अच्छा है, उन्होंने ठीक करा है। बंद करते तो हम लोग यही गेट पर बैठे हुए थे, अचानक से 2,500 की भीड़ आती है और बस इतना कहते कहते घूमने और बम चलाना शुरू कर देती है। ये पत्थर जो ठेले पे भर भर के लाए, कहते घूमने और बम चलाना शुरू कर देती है, कहते घूमने और बम चलाना शुरू कर देती है, ये घूमने और बम चलाना शुरू कर देते हैं। वेरी गुड, ध्यान है ना, धम 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 चलते हुए ठेले पे भर भर के लाए गए थे, मतलब साफ है कि इकट्ठा करके प्लानिंग थी कि दुकान बंद कराएंगे, विरोध होगा तो हम पत्थर चलाएंगे। पूरी तरह से ये षड्यंत्र था, पूरा षड्यंत्र था ये, और हाथा खत्म करने का ये षड्यंत्र था कि इस हाथे को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि पिछले 40 सालों से इसको लगातार टारगेट करा जाता रहा है, और यही प्लान बनाकर ये आए थे कि अब की बार आज पुलिस प्रशासन भी नहीं है, शहर में 3-3 VIP है, तो ऐसे समय पूरा पुलिस प्रशासन। आप लोगों ने कैसे टैकल किया, आप लोग भी मौजूद थे यहाँ पे, कैसे डील किया आप लोग? मैं तो ऑफिस से आ रहा था, उतने में 2,500-3,000 की पब्लिक आती है, एकदम घुम्मा चलाने चालू कर दी, नारे लगाते हुए एकदम से घुम्मे पत्थर चला के, बस जो उनके द्वारा फेंके जा रहे थे घुम्मे, वो घुम्मे पत्थर जो हाथे के अंदर पड़े थे, वही घुम्मे पत्थर उठा उठा के हम लोगों ने डिफेंड करा, तब वो कहीं भागे हैं, नहीं हम लोगों के पास तो कुछ था ही नहीं कि कुछ हम लोग चला पाते हम लोग। लेकिन वो पूरी बोतल बम को लेके नमाज पढ़ने तो जाता नहीं है, बोतल बम बनाकर रख के आए थे वो लोग। ये मैडम आप मीडिया में, आपको तो सोचना चाहिए, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि नमाज पढ़ने या पूजा पाठ करने जा रहे हैं तो आप कट्टा बम या पेट्रोल बम लेकर या ठेले में घुम्मो सजाकर तो आप नहीं जाओगे, अगर पूजा पाठ करने जा रहे हो तो आप ईश्वर की इबादत करने जा रहे हो, आप इबादत करो, लेकिन ये पूरा प्लान था कि ये नमाज के बाद भीड़ इकट्ठा होगी और भीड़ इकट्ठा करके इस हादसे को टारगेट करना है जो कि चंदेश्वर आता है, इसको समाप्त करना है। और कितने लोग घायल हुए थे आसपास के लोग? यहाँ पर कम से कम 8 लोग घायल हुए हैं जो पुरुष हैं और 3 महिलाएं घायल हैं जी। तो सीधे आप ये चश्मदीद हैं जो सुन रहे थे आप और इसी हादसे की बात। चलो साहब वीर गाथाएं हैं तो सुननी चाहिए, हालांकि मैं इन लोगों की भी गलती नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं नहीं, हम लोग ऐसे परिवारों से नहीं आते, हमारे संस्कार ऐसे नहीं कि हम लोग ईंट गुम्मे इकट्ठे करके रखें, तो बेचारों ने तब तक ईंट गुम्मे खाए, बम तब तक खाए जब तक गुम्मे इधर आ जाएं तो हम उठा के फेंकें, गुम्मा गुम्मा बोले तो ईंट के टुकड़े को गुम्मा बोला जाता है, तो वो तब फेंकेंगे जब सामने से आएगा, अब बम तो फट गया उसको फेंक नहीं पा रहे दोबारा, है ना, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें कुछ नहीं कर सकते, गोली चली फायरिंग हुई तो गोली तो दोबारा कैसे चलाएंगे, चल गई, तो ये परिस्थिति है। और अच्छा कहें बुरा कहें, दुनिया तो ये कहेगी हिंदू बड़े अच्छे हैं साहब, उनके पास में कोई गलत चीज़ नहीं मिलती, गलत काम नहीं है, लेकिन इस अच्छे के चक्कर में, इस अच्छे सर्टिफिकेट के चक्कर में जान चली जाएगी, तो हमको कुछ ना कुछ तो ऐसा सोचना चाहिए। और इतने सारे लोग, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हिंदू आउटनंबर्ड थे, जितने भी थे 8 लोग, 8 और 3 11 तो घायल ही हैं, तो इसके अलावा और भी होंगे, 50-1 लोग तो होंगे, 50-1 लोग को मुकाबला करते तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती, लेकिन कैसे करें, एक दूसरे से बात ही नहीं होती, कभी इस बारे में चर्चा ही नहीं करी, और कभी मैं बोलता हूं कि आप अपना अपना संगठन बनाइए, उसमें चर्चा कीजिए कि हम सुरक्षा कैसे करेंगे अपनी, तो कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, फालतू की बात है यार, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो, मोदी जब से आया उसने पूरा देश को बर्बाद कर दिया, झगड़ा करा, लड़ाई करा रहा है, मोदी ने कराया है, मोदी क्या था वहाँ पे, किसने कराया दिखाऊं, आइए नाम देख लो भाई साहब, एक से बढ़कर एक, जीशान एवेंजर आई ओ, पिता का नाम अब्दुल अजीज, ओ अब्दुल सकील, अब्दुल मजीद, इरफान चड्डी, अरे गजब, शेरा हैं, बाप का नाम क्या है, रईस टाइगर, अरे शाबाश जियो मेरा राजा, रफ़ी, पिता का नाम समी, आरिफ आसिफ रैना के भाई, इजराइल, पिता का नाम भी इजराइल, अरे गजब जी, इसराइल सही है भाई, इसराइल, पिता का नाम इजराइल, सही है, इनका बाप इजराइली है, सही बात है, अकील खिचड़ी, पिता का नाम हनीफ, अदनान, रिजवान, परवेज उफ चिकन, छोटे साहब, ओ हो, सादाब शोएब का भाई, इसरत अली, गजब गजब नाम है, कैसे कैसे नाम है, चिकन चड्डी खिचड़ी है, एवेंजर, अब बाप कौन है, इजराइल, तो खैर नहीं मैं रियलिटी वो दिखा रहा हूँ आपको, एनसीआरबी का दिखा रहा हूँ सर, अपना थोड़ी दिखा रहा हूँ,
उसमें तमाम सारे लोगों पे जो जांच चल रही है, अभी तो 36 में से सिर्फ 13 से 24 दिखाए, बहुत नहीं। चलिए आइए साहब आगे देखिए, अब इसको करने वाला कौन, इन दंगों को करने वाला कौन है? स्टोन थ्रो चैलेंज यू आस्क्ड यस्टरडे। तो सुरजीत जी कहते हैं तो अब इनको करने वाला कौन, इनको करने वाला पीएफआई, पीएफआई का नाम आ रहा है कि पीएफआई ने दंगे कराए। फंडिंग के मामले में पीएफआई के पास ही फंड सबसे ज्यादा होता है, और 2020 की एक खबर अगर आप देखें तो आपको दिख जाएगा, ईडी अरेस्ट पीएफआई स्टूडेंट लीडर रऊफ शरीफ इन केरला फॉर फंडिंग हाथरस प्रोटेस्ट यूपी पुलिस टू सीक कस्टडी। भाग रहा था इसको, भागते हुए इसको एयरपोर्ट से पकड़ा गया था, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए थे, हाथरस के जो दंगे हुए थे, उसमें भी इन्हीं का हाथ था, वहां भी पूरा दंगा कराने का प्रयास था, छुटपुट घटना होकर रह गई थी, पूरा दंगा कराने का प्रयास था हाथरस में। तो ये इनकी सच्चाई है, और सच्चाई अगर आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि कौन लोग हैं ये, पीएफआई सीएफआई कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया उन्हीं का है, और इनका जो काम है वो ये है। फंडिंग देखिए कितनी है साहब, हैशटैग ट्रेंड कराना है साहब, ये बाएं हाथ का खेल है। सेव रऊफ लाइफ, बताइए, पॉलिटिकल प्रिजनर, अरे ही इज अ टेररिस्ट भाई, टेरर फंडिंग आई है उसके पास, आतंकवादियों से पैसा आया उसके पास, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया चला रहा था इनका मूवमेंट, पीएफआई का सीएफआई, पीएफआई का याद नहीं था। विनीता कुमारी जी धन्यवाद। चलिए कैसे कैसे तुरंत पोस्टर्स बन जाते हैं, पोस्टर्स बनकर आ जाते हैं, बड़े कमाल की बात है साहब। हाँ सही बात है, प्रिंस सिंह कहते हैं सर कहाँ आप लंगर बांटने वालों को बकरे काटने वालों से मुकाबला करवा रहे हो। एग्रीड बॉस, एग्रीड, क्योंकि मंदिरों में आप जाते हो ना तो आप ऐसे हाथ करते हो तो आपको देसी घी का हलवा मिलता है, देसी घी की बूंदी मिलती है, वहां प्रसाद मिलता है, यहाँ पत्थर दे दिए जाते हैं हाथ में, जैसे हाथ किया हो पेन एनो के लिए पत्थर दे दिए, जा बेटा, ठीक है, बस इतना सा फर्क है। यहाँ ये वही है हिजाब रो, जो कुछ भी हो रहा है ना भारत में यही लोग कर रहे हैं, ये बेसिकली भारत को डिस्टेबलाइज करने का इनका एक प्रयास है। तो इन्हीं का नाम आ रहा है, और नाम किसका आ रहा है, एक और सज्जन है उनका नाम आ रहा था, क्या जफर हयात। तो जो जफर साहब हैं उनने क्या कहा था दो दिन पहले जब प्रशासन ने उनको बुलाया था, वो सुनना वो जानना भी आपके लिए जरूरी है, उसको भी सुन लीजिए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, नमाज पढ़कर हयात जफर हाशमी सीधा अपने घर अपने परिवार के पास आ गए थे, देर रात 9 बजे से निकले, उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है, ये कहना था पत्नी का, और ये भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने बंद को वापस लेने की अपील कर ली थी, ये कह दिया था कि बंद का आह्वान वो रद्द कर रहे हैं, तो अब उसके बाद उन्हें क्यों फंसाया जा रहा है। तो हयात जफर लौट आए थे साहब नमाज पढ़ने के बाद, घर आ गए थे, उनकी पत्नी बता रही है, रात के 9 बजे निकल गए, 9 बजे क्यों निकले रात के, जैसे ही पता चला पुलिस ने उठाना शुरू कर दिया और हयात जफर का नाम आ गया, वो छुप नहीं पाएगा, तो हयात जफर गायब हो गया, एब्सकॉन्डिंग, भगोड़ा, भाग गया, ठीक है। जफर हाशमी को फंसाया गया है, ये जफर हाशमी के परिवार का आरोप है, और ये भी दावा है वो आपको दिखाते हैं। तो ये 5 तारीख को आपने पूरी एकदम इसकी तैयारी करके रखी है कि ये करनी है जी, ये इरादा तो आपका बरोज जुमे का था, तो ये इरादा कैसे चेंज हो गया, क्या ऐसा गतिविधियां आ गई? 3 तारीख का था, 3 तारीख सहायक पुलिस आयुक्त के दरवाजे के बाहर खड़े ऑफिस के बाहर, ठीक है, 2 जून का ये वीडियो है, 2 जून को क्या बोल रहे हैं सुनिएगा जरा। हमारा खामोश इत्तेजाज दुकानों की बंदी का था, कारोबार की बंदी का था, 3 तारीख को शहर कानपुर में इंतजामिया और व्यस्त है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हैं, हमारे यहाँ देश के महामहिम राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं,
और वीआईपी ड्यूटी होने के नाते इंतजामिया ने हमसे गुजारिश की है कि लिहाजा 3 तारीख के प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया जाए और 5 तारीख की जो आपकी कॉल है उसको हम पुरअमन तौर से आपके पूर्ण रूप से सहयोग करके उस कार्यक्रम को आपका कराने का काम करेंगे। हमने उस पर उनकी बातों पर यकीन दहानी करते हुए ये ऐलान करते हैं हम कि आगामी 5 जून को इंशाल्लाह सुबह 11:30 बजे तमाम गुलामान मुस्तफा तमाम आशिकान रसूल अपने आप को गिरफ्तार कराने के लिए ये भरो आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और रजबी रोड विधायक इरफान सोलंकी के कार्यालय के पास से हम लोग गिरफ्तारी देने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो साहब 2 जून को ये पुलिस आयुक्त ने इनको बुलाया, बोले कि भाई आप जो कर रहे हो जुमे के दिन जो कर रहे हो, तो जुमे के दिन प्रधानमंत्री रहेंगे, राष्ट्रपति रहेंगे, वीआईपी प्रोटोकॉल रहेगा, पुलिस व्यस्त रहेगी, कुछ हो गई ऊंच नीच तो हम संभाल नहीं पाएंगे, आप इस दिन मत करो। और ऐसा सामान्य होता है, ऐसा नहीं कि कोई इनके लिए स्पेशल कुछ किया, सामान्य होता है अगर आप भी बुलाएंगे ऐसा कोई बंद का कॉल, और उस दिन यदि कोई वीआईपी मूवमेंट होगा तो आपको एसपी बुला के समझा देगा, बॉस आज मत करो इसको, आप आगे पीछे कर लो, अगर आप अड़ोगे तो फिर वो टेढ़ी भाषा में समझा देगा कि बॉस आपको समझा दिया, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। फिर भी अगर आप उड़े तो आपको उठा के एहतियातन तौर पर बंद कर देगा, ठीक है, प्रिवेंटिव कस्टडी में ले लेगा। तो ये आपको अरेस्ट नहीं किया उसने, प्रिवेंटिव कस्टडी इज नॉट अरेस्ट। तो ये मत सोचिएगा 24 घंटे में मुझे वहीं जो है पेश करेंगे, ऐसा करेंगे नहीं, वो कह देगा हम तो प्रिवेंटिव कस्टडी में इनको लिया है, छोड़ दिया उसके बाद, है ना। तो इसका जो समझदार जो घाग जो लोग होते हैं, जो घाग नेता होता है या जो बदमाश टाइप के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जब जाते हैं उन्हें मालूम है कि यार एडमिनिस्ट्रेशन से तो बिगाड़ नहीं सकते, एडमिनिस्ट्रेशन तोड़ देगा, तो वहाँ जाकर झूठ बोलते हैं, हाँ साहब कुछ नहीं करेंगे, बोले काले झंडे दिखाने तो बोले काले झंडे वाले झंडे नहीं चलेंगे, नहीं साहब बिल्कुल किसी को नहीं पहुँचाएंगे, नहीं करेंगे काले झंडे। और वो आदमी क्या करेगा, वहाँ पहुँच जाएगा, पुलिस से भी मिलेगा, वहाँ पर एस पी सी एस पी होगा, कटाक से तुरंत वायरलेस होता है 1 मिनट के अंदर, जैसे सीएसपी से मिला सीएसपी बोलेगा वो सर वो फला फला बंदा आया जो काले झंडे की बात करता, बोले कौन है उसको, बोले अकेला है कोई दिक्कत नहीं है, बोले झंडे वंडे, बोले नहीं कोई झंडे नहीं, बोले ठीक ठीक कोई नहीं, अब एट ईज हो गए सब। ऐसा ही आश्वासन इन्होंने दिया 2 जून को दिया कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे साहब, हम कुछ नहीं करेंगे, जुमे के दिन हम कुछ नहीं करने वाले, 4 जून को हम कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद दिया धोखा जैसा कि दिया जाता है, और 4 जून को जमकर दंगा किया जिसके लिए पुलिस तैयार ही नहीं थी। कुल 5 पुलिस वाले थे वहां, कुल 5। सोचिए अगर पुलिस को जरा सा भी ये लगता कि ये गड़बड़ करने वाले, पुलिस के पास इंटेलिजेंस, तुषार जी ने सबसे पहले पूछा था पुलिस की इंटेलिजेंस फेल हुई, नहीं पुलिस की इंटेलिजेंस एकदम क्लियर थी, पुलिस को मालूम था कि ये लोग ये करने वाले, लेकिन इन्होंने झूठा आश्वासन दिया कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे। और यूजुअली ये होता है पुलिस का जो कप्तान होता है, जो कमिश्नर होता है, वो ये मानकर चलता है यार मुझसे कोई झूठ बोलेगा नहीं, मुझसे बोल के जाएगा कहाँ, उड़ थोड़ी पाएगा, और सच्चाई भी यही है, हाँ साहब कुछ नहीं करेंगे, बोले काले झंडे दिखाने तो बोले काले झंडे वाले झंडे नहीं चलेंगे, नहीं साहब बिल्कुल किसी को नहीं पहुँचाएंगे, नहीं करेंगे काले झंडे। और वो आदमी क्या करेगा, वहाँ पहुँच जाएगा, पुलिस से भी मिलेगा, वहाँ पर एसपी सीएसपी होगा, कटाक से तुरंत वायरलेस होता है 1 मिनट के अंदर, जैसे सीएसपी से मिला सीएसपी बोलेगा वो सर वो फला फला बंदा आया जो काले झंडे की बात कर रहा था, बोले कौन है उसको, बोले अकेला है कोई दिक्कत नहीं है, झंडे वंडे, बोले नहीं कोई झंडे नहीं, बोले ठीक ठीक कोई, अब एट ईज हो गए सब। ऐसा ही आश्वासन इन्होंने दिया 2 जून को दिया कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे साहब, हम कुछ नहीं करेंगे, जुमे के दिन हम कुछ नहीं करने वाले, 4 जून को हम कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद दिया धोखा जैसा कि दिया जाता है, और 4 जून को जमकर दंगा किया जिसके लिए पुलिस तैयार ही नहीं थी। कुल 5 पुलिस वाले थे वहां, कुल 5। सोचिए अगर पुलिस को जरा सा भी ये लगता कि ये गड़बड़ करने वाले, पुलिस के पास इंटेलिजेंस, तुषार जी ने सबसे पहले पूछा था पुलिस की इंटेलिजेंस फेल हुई, नहीं पुलिस की इंटेलिजेंस एकदम क्लियर थी, पुलिस को मालूम था कि ये लोग ये करने वाले, लेकिन इन्होंने झूठा आश्वासन दिया कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे। और यूजुअली ये होता है कि पुलिस का जो कप्तान होता है, जो कमिश्नर होता है, वो ये मानकर चलता है यार मुझसे कोई झूठ बोलेगा नहीं, मुझसे बोल के जाएगा कहाँ, उड़ थोड़ी पाएगा, और सच्चाई भी यही है क्योंकि वो अपनी पावर में होता है। गलतफहमी और तथ्यों को वेरीफाई न कर पाना कि जो हमसे बोल कर गया, क्यों, क्योंकि आप तो बिजी हो ना, यही चीज यदि किसी और दिन होती तो ये नहीं कर पाते, लेकिन ये इसलिए कर पाए क्योंकि वीवीआईपी सुपर वीआईपी मूवमेंट, देश का प्रथम नागरिक, देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे लोग एक साथ वहां मौजूद हैं, तो वो कहां बिजी है इंतजाम करने में, कोई ऊंच नीच नहीं हो जाए, ग्राउंड देखो बिल्कुल सही है कि नहीं, उसके ऊपर कारपेटिंग सही है कि नहीं, भाई मेटल डिटेक्टर से पूरी चेकिंग करो, स्टेज को चेक करो, इसको करो उसको करो, वो सारे वहाँ परेशान हैं। जो मंडप लगा इसमें कहीं करंट तो नहीं दौड़ने की संभावना है,
बहुत बहुत लंबे इंतजाम होते हैं, वो वहाँ व्यस्त हैं। ये आश्वासन देकर चले गए, उन्होंने कहा ठीक है भाई, कह रहे तो नहीं करेंगे, इतनी हिम्मत तो होगी नहीं, आदमी झूठ बोल जाएगा। और इतनी हिम्मत थी उनके अंदर, और ये कोई आज का थोड़ी है। मैं तो कहता हूँ शायद कानपुर के पुलिस वालों ने इतिहास नहीं देखा। दगा करना तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, करते ही आए हमेशा से, हमेशा से। पीठ में छुरा घोंपना पहचान है इनकी। खैर, अतुल एस कहते हैं सर बड़े दुख की बात है कि मेरे आसपास के हिंदुओं को कानपुर में जो हुआ उसके बाद में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना उसमें बात पे कोई गुस्सा है। ठीक है, किसी दिन भगवान करे उनके हमला हो जाए तो फिर उसके बाद उनका इंटरेस्ट जाग जाएगा। कि मंजूर कहते अटैक मुस्लिम विद फुल नंबर्स, व्हाट हैपन टू अस, विल पुलिस गवर्नमेंट विल डू टू अस, कैन सेक्शन 95 हेल्प अस ओन प्रोटेक्शन। मंजूनाथ जी, ये सारी बातें कोर्ट की है, पुलिस का जो काम है पुलिस वो काम करेगी। हो सकता है उसमें दो चार लोग आपके, क्योंकि आपके जो लोग हैं ना वो वीडियो बनाने में उनको बड़ा शौक रहता है। नितिन शुक्ला बनाता तो हम भी तो बनाएंगे, तो वीडियो बना देते हैं, तो उसमें अगर आप आ गए तो फिर कोई बात ही नहीं, तो बल्ले बल्ले आपकी। ठीक है ना, चलिए। तो ये आश्वासन दिया गया था साहब 2 तारीख को जफर हयात द्वारा। फिर किया क्या, उनकी पत्नी से सुने जा। आपने बोला कि जब हिंसा हो रही थी तो वो घर पे थे, उसके बाद कब तक घर पे थे? शाम तक घर पे थे जी। उसके बाद वो घर से कब निकले, कितने बजे? क्या घर में? रात में 9 बजे करीब। हसन जी कहाँ गए ये बता के नहीं गए जी। 9 बजे के बाद फिर उनका तब से अब तक कोई भी, रात में एक बार कॉन्टेक्ट हुआ था तब से लेके अब तक कोई अता पता नहीं। पीछे से ये हरी वाली जो मैडम है ना, ये डिक्टेशन दे रही है, जरा दोबारा देखिएगा। आपने बोला कि जब हिंसा हो रही थी तो वो घर पे थे, उसके बाद कब तक घर पे थे? शाम तक घर पे थे जी। उसके बाद वो घर से कब निकले, कितने बजे? क्या घर में? रात में 9 बजे करीब। हसन जी दोबारा सुनिए। उसके बाद वो घर से कब निकले, कितने बजे? क्या घर में? रात में 9 बजे करीब। हसन जी दो आवाजें आई आपको? निकले कितने बजे? क्या उसके बाद दो आवाजें आई आपको? वो घर से कब निकले, कितने बजे? क्या घर में? रात में 9 बजे करीब। हसन जी कहाँ गए ये बता के नहीं गए जी। 9 बजे के बाद फिर उनका तब से अब तक कोई भी, रात में एक बार कांटेक्ट हुआ था तब से लेके अब तक कोई अता पता नहीं। तो जब कांटेक्ट हुआ तो क्या बोला उन्होंने, कहाँ है? नहीं उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ, बस उन्होंने ये बोला, पूरी बात नहीं हो पाई। उसके बाद से उनके सारे फोन बंद है और कुछ नहीं पता चल रहा है कि वो कहाँ है। तो मैं मीडिया के जरिए जानना चाहती हूँ कि हयात जफर हाशमी अगर कोई साक्ष्य लगाया गया है तो विद प्रूफ लगाए, कोई भी चीज लगाई गई है अगर। हार्ट अटैक से मर जाऊंगा मैं। 9:30 बजे घर से निकले थे, उसके बाद से कुछ पता नहीं कहाँ है, भाग गए जब पता चला कि पुलिस पीछे आ रही है पकड़ने। वो बोलते बोलते रह गई, वो जो बगल में बोल रही थी पुलिस कमिश्नर ने, जब रो रह गई। उसके बाद में अब आप मजा देखिए, वही इंटरनेशनल कार्ड, वो खट से निकला। मीडिया के जरिए मैं जानना चाहती हूँ वो कहाँ है। तालियां, फिल्म की स्क्रिप्ट भी इतनी अच्छी नहीं होती है। प्रूफ साबित होता है तो मैं कहती हूँ आप मुकदमा करिए, बिना प्रूफ के तो आप नहीं कर सकते हैं ना भाई। पत्थरबाजी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, किसी को मार पीट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आज सुबह पेपर में आया है जफर हाशमी मास्टरमाइंड, इसे अपने मर्जी पेपर में छाप दिया गया। अमर उजाला, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, उर्दू, राष्ट्रीय हिंदी, जो जो मन में आ रहा आप लोग लिख रहे हैं, कोई एक बेस है इसका? इसलिए मैं आपके पास आया हूं आप लोगों का पक्ष लेने के। आपके पास कोई बेस नहीं है, आप सिर्फ अंधी एक आदमी को पकड़ के उस पे इस तरीके से उनके खिलाफ ये सब बन रहा है प्रोपेगंडा। आप ये कह रही हैं उनको फंसाने की कोशिश ली है, इसलिए फंसाने की भी, और कानपुर पुलिस नहीं पकड़ पा रही है अपराधियों को, इसलिए एक ही आदमी को टारगेट बना दिया गया है। तो कानपुर पुलिस की कमियां हैं ये, अपनी कमियों को दुरुस्त करें और बेकसूरों को सजा दीजिए। तो हम बिल्कुल आपके सबके साथ हैं, बिल्कुल सजा दीजिए, जिन्होंने गलत काम किया उनको पकड़िए, उनको बंद करिए, जितनी दवाएं लगाना लगाइए, लेकिन हमेशा कानून को मद्देनजर रखते हुए काम किया गया है, कभी कानून के अपोजिट काम नहीं किया है। कानपुर का सपोर्ट किया, प्रशासन का हमेशा सपोर्ट किया है, जो समझ रहे हो तुम, कानून का सपोर्ट किया है, गिरफ्तार करो जो गड़बड़ है उसको गिरफ्तार करो, करेंगे फिर चिल्लाएंगे। सराफिल मीडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, वाई द प्रेस नॉट एबल टू कैच द टेलीप्रॉम्प्टर। सही बात है तुषार जी, तो प्रशासन ने कहा है वही उन्होंने किया। तो हयात जफर का परिवार है जो ये कह रहा है कि इस मामले में उन्होंने बंद जरूर बुलाया था, लेकिन बंद को वापस भी ले लिया, और बंद के वापस की अपील के बाद वो पुलिस के पास पहुंचे थे,
पुलिस को भी कहा था कि वो बंद की अपील वापस ले रहे हैं। उसके बाद जिस तरीके से उनका नाम आया है सामने, परिवार कह रहा है कि वो निर्दोष है। फिलहाल ये मामला जांच के दायरे में है, पुलिस तय करेगी कि किसका दोष है और कौन निर्दोष। अपने सहयोगी अशोक और कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज कानपुर। इस दावत वीडियो अपलोड के बाद उसके बावजूद भी जफर हयात हाशमी को फंसाया जा रहा है, ये कहना है। जफर शासन की ओर से उनसे कहा गया था, वाहन को रद्द कर दिया था और अब परिवार का सीधा आरोप है कि जफर हयात हाशमी को फंसाया जा रहा है। उनकी पत्नी जारा हाशमी का उनका दफ्तर लगाए थे, उस बंद को रद्द करने का ऐलान भी उनकी तरफ से कर दिया गया था। वो कहा कि जफर हाशमी को फंसाया जा रहा है, उन्होंने जो बंद की अपील करते पोस्टर लगाए थे उस बंद को रद्द करने का ऐलान भी उनकी तरफ से कर दिया गया था। वो अपील भी करने के लिए तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों से कि ये बंद वो रद्द कर रहे हैं, कोई भी एकजुट ना हो, इकट्ठा ना हो किसी भी तरह से शांति। तो सब पोस्टर कुछ बताए जा रहे हैं कि बंद को रद्द कर दिया था हमने, कुछ पोस्टर बताए जा रहे हैं। सवाल ये कि पोस्टर बाद में बना के लगाए गए फ्लैक्स या वो पहले लगे थे अपने आप को सेव करने के लिए, क्योंकि अपने आप को बचाना भी तो है। तुषार जी कहते हैं, आई यूज टू थिंक मैन आर पैथेटिक बट हियर द वुमन आर डूइंग रियली गुड जॉब ऑफ शील्डिंग देम। हाँ तुषार जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल। तो भाई बचाना है तो तमाम सारी चीज़ें हथकंडे अपनाने भी पड़ते हैं। और सवाल ये है, सबसे बड़ा जो जांच का विषय वही है कि जो पोस्टर हैं ये बाद में लगे थे या पहले लगे थे, और पहले लगे थे तो भी हो सकता है कि भाई ये तो आंखों में धूल जब वहाँ झोंकी गई तो कौन सी बड़ी भारी बात है, जब आमने सामने जब नज़रों की शर्म नहीं है तो फिर क्या। खैर फिर क्या हुआ, कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड जफर हयात गिरफ्तार, अब तक 500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज, जो 36 लोग थे वो 500 हो गए, जफर हयात भी गिरफ्तार हो गया। और सीएम योगी ने कहा कि मामले के दोषियों में किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने आदेश के बाद पुलिस ने कहा कि आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। अब इनको जो रुमाल हिलाया था, बड़ा इत्तेफाक की बात है, हम नहीं कह रहे, वो जो उन्होंने बताया हम उसी की बात करें, हम बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, हम बोलेंगे तो बोलो एक ही बोलता है। आइए फिर से एक बार देख लें। तभी अचानक लड़कों ने देखा, उसके बाद दुकानों पर हमला बोल दिया। देखिए वो तस्वीरें आपके सामने, तोड़फोड़ जब हुई किस तरीके से वो भी साफ तौर पर देखा जा रही है। शख्स जो कि हाथ में रुमाल हिलाता हुआ दिख रहा है, और जैसे ही ये भीड़ में बहुत लाल रुमाल लेकर लहराता हुआ हाथ में लाल रुमाल लेकर लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। हाथ में लाल रुमाल लेकर दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे ही ये भीड़ में मौजूद कुछ लोग देखते हैं, भीड़ भाड़ आपको दिखाई दे रही है, और उसी दौरान देखिए लाल रुमाल जिस तरह से ये व्यक्ति हाथ में ऊपर की तरफ उठाता हुआ हिलाता है, भीड़ में मौजूद कुछ लोग वहां से निकलता है। सैकड़ों की भीड़ के बीच में 4 से 6 पुलिसकर्मी कर रहे हैं, लेकिन असहाय पुलिस भीड़ को हिंसक होने से नहीं रोक पाती, जिसके बाद जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई। हिंसक की तरफ इशारा कर रहा है जो कि इस पूरे मामले में लाल का इशारा, साजिश की तरफ इशारा कर रहा है जो कि इस पूरे मामले में हिंसा हुई, रुमाल का इशारा। लाल रुमाल है साहब, सफेद कुर्ता पजामा है। मेरा एक मन में एक सवाल है, टोपी तो नहीं थी, रुमाल ही था, अच्छे से देख लिया था, टोपी तो नहीं थी कहीं, क्योंकि मुझे साफ दिख नहीं रहा इसलिए मैं पूछ रहा हूं। कमाल है। चलिए साहब, तो गिरफ्तार हो गए साहब। ये कानपुर हिंसा का एक रूप आपने देखा, और बड़े अफसोस की बात है कि दिल्ली दंगों से भी लोगों ने कुछ सबक नहीं लिया। और मैं समझता हूँ, मुझे काफ़ी हद तक काफ़ी सारे लोग जो हैं कानपुर के, तमाम इधर उधर के लोग काफ़ी लोग देखते हैं, इसके बावजूद यह हाल है तो फिर हम क्या कहें। तो क्या कानपुर में ही मामला ख़त्म हो गया? PFI इसके पीछे, हमने कहा अगर PFI है तो पूरे देश में करेगी, और देश में हो भी रहा कमोवेश। आइए देखें, हरिद्वार में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन, कट्टरपंथी मुसलमानों ने की खौफ पैदा करने की कोशिश, उग्र शब्दों के साथ तिरंगे से आगे हरा झंडा खड़ा कर मुस्लिम समुदाय ने एक तरीके से उत्तराखंड प्रशासन को भी चुनौती दी है। हरिद्वार में भी शुरू हो गया साहब जुमे की नमाज के बाद, यानी उसी दिन
यानी प्लानिंग बड़ी लंबी थी यार। क्या कहते हो, आप लोगों को क्या लगता है? हरिद्वार में भी बड़ी ही मजे की बात है, इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं वो सब बीजेपी रूल स्टेट में हो रही है। कमाल है। मनोज बाथम जी कहते टोपी लाल नहीं पहनते, जानकारी का बहुत अभाव है यार आपको। और आप लोग इतने बुद्धू, बुद्धू कहूँगा बुद्धू हो कि आप लोग समझ नहीं पाते हो इशारे को। सफ़ेद कुर्ते पजामे पे लाल टोपी कौन पहनता है? देखो जरा गूगल करो, वाइट कुर्ता पजामा विद रेड टोपी दिखेगा, समझ में आ जाएगा। बताओ उनको, बताओ किसी को समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। पोगो है, पोगो देखो, ठाका ठीकी देखो, ठीक है। चलो, एक एक कितनी बार बोला, एक एक शब्द में हजार मतलब होते हैं, थोड़ा ध्यान से सुना करो, ध्यान लगा कर। नींद आने लगती तो मैं भी सो रहा हूँ, मुझे भी तो नींद आ रही है, आंखें देख रहे हो सूज रही। चलो, तो साहब हरिद्वार में भी ये हुआ, राजस्थान से भी कुछ आवाज आ रही है, उसको भी सुने। प्रेशर बनाने का जो एक प्रयास है उसको देखिए आप। गया अगला जुमला ये कि अगर ये शोहरत के लिए जिस तरह किया जा रहा है, अगर मामला ये कि साहब ये चीज कानूनी तौर पर सही है तो फिर हम ऐसे कानून के खिलाफ भी जाएंगे। और अगर कानून के खिलाफ है तो एक बात तवज्जो से सुन ले, चाहे वो बूंदी जिले का प्रशासन हो चाहे पूरे देश की हुकूमत हो, तवज्जो के साथ इस बात को सुन ले कि अगर मेरे आका की शान में गुस्ताखी उसने की है जो कि की है, और अगर कोई और भी करेगा तो इस बात को कान खोल कर सुन ले, उस पर एक्शन ले ले। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो मुसलमान रिएक्शन देगा, और मुसलमान जब रिएक्शन देता है तो तवज्जो से सुने, तारीख उठाकर देख ले, जब जब जिस कौम के खिलाफ मुसलमानों ने रिएक्शन दिया है उनके लिए जमीन रब्बे जुलजलाल ने तंग फरमा दी, वो दौड़े दौड़े फिरते रहे, उन्हें जमीन का एक टुकड़ा तक नसीब नहीं हुआ। तो अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो फिर हम रिएक्शन देंगे, और ये कोई गुजारिश उजारिश नहीं है, खुली चेतावनी है। पूरी दुनिया का मुसलमान उठेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान उठेगा, बूंदी शहर का मुसलमान उठेगा, और अपने आका की नामूस के जो शान में गुस्ताखी की है उसका बदला हम लेना जानते हैं। तीसरा जुमला, हजरत गिरामी कद्र, बात जब नामूस की आती है तो हमने तारीख में देखा है सहाबा ने अपनी जानें कुर्बान की है, तो हम भी अगर मौका आएगा तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। तुम मुझे गाली दो बर्दाश्त है, तुम मेरे वालिदैन को गाली दो बर्दाश्त है, तुम मेरे खानदानों को बुरा कहो बर्दाश्त है, लेकिन मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो जबान काट ली जाएगी, हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा, उंगली उठाओगे उंगली काट ली जाएगी, अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। हजरात गिरामी कद्र, फिर उसके बाद तुम चाहो तो हमें जेल में डालना, तुम चाहो तो लाठियां बरसाना, हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त न करेंगे, क्योंकि जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर हमसे ये ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। चलो साहब, खुले तौर पर पुलिस की मौजूदगी में, सब इंस्पेक्टर से लेकर तमाम सारे पुलिस वाले वहां मौजूद हैं, चौड़े में बूंदी शहर में, राजस्थान के बूंदी शहर में हिंदुओं को, संपूर्ण हिंदू समाज को चुनौती दी गई है। और ये कहा गया कि जब हमने इस प्रकार का जब जब हमने एक्शन किया तब तब हिंदुओं के लिए जमीन कम पड़ गई। शायद इस मौलवी को ये मालूम नहीं है, इतिहास शायद पढ़ते नहीं, कहते तारीख गवाह, शायद तारीख पढ़ी नहीं, 2002 की तारीख शायद इन्होंने पढ़ी नहीं, अगर पढ़ी होती तो शायद इनको पता होता कि एक्शन का जब रिएक्शन आता तब क्या होता है। उसके बाद में दंगे बंद हो जाते हैं सर, ठीक है ना, तो थोड़ा सा पढ़ लें अच्छा रहेगा। बहरहाल इनके खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद करना बेईमानी, क्योंकि राजस्थान का मामला है, ठीक है ना। अच्छा, अपन लोग कितने आराम से हो जाते ना, राजस्थान का मामला तो कोई बात नहीं जाने दो, यही अगर उत्तर प्रदेश का होता तो अभी तब कपड़े फाड़ लेते, ए योगी पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जबकि होना उल्टा चाहिए,
कि उत्तर प्रदेश का है तो ठीक है, अपना ही आदमी बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, हो तो अपने हिसाब से काम करेगा, जहाँ नहीं है वहाँ प्रेशर बनाना चाहिए। तो राजस्थान पे थोड़ा प्रेशर बना लेना, सीएम साहब पे और गृहमंत्री जी पर और डीजीपी पर, चीफ सेक्रेटरी पर, बनाइए, फ़ोन लगाइए उनको, पूछिए क्या इसमें क्या कार्रवाई हो रही है भाई, गिरफ्तारी करोगे, FIR करी, अभी तक FIR भी नहीं करी, नहीं करी, करोगे या नहीं करोगे, ठीक है ना। मित्रों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम UPI एड्रेस है nshukla@upi। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/nitinshukla पर और paypal.me/nitinshukla GWL पर कॉन्ट्रीब्यूट कर दें।